त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक वेणुवंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतः ॐ शांति शांति शांति। वेलकम इन योगा क्लास बच्चों, आपका आज की योगा क्लास में स्वागत है। पिछली योगा क्लास में आपने सीखा कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, और कपालभाति के बाद में आता है त्रिबंध बाह्यबंध। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाह्यबंध क्या होता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम के विषय में हम जान रहे हैं। बाह्यबंध देखो, प्राणायाम का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम आता है, फिर उसके बाद में कपालभाति, फिर उसके बाद में बाह्यबंध आता है, और फिर उसके बाद में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो आपको सीक्वेंस से ही इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब कपालभाति के बाद में बाह्यबंध करने का तात्पर्य ये है कि जो हमने ऊर्जा एनर्जी को जनरेट किया है, उस एनर्जी को सही रूप में सही दिशा में हम विस्तार दे सकें। एनर्जी क्या होती है बच्चों, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है। जो हमारे 8 चक्र हैं, उस चक्र से हमारी जो ऊर्जा उद्गामी होती है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो चक्र है, मूलाधार चक्र, जो हमारे क्या नाम है, मेरुदंड के बिल्कुल नीचे जो गुदा द्वार होता है वहां पर होता है। इसलिए जो पहला प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। और चक्र जो है 8 चक्र होते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो ऊर्जा नीचे से ऊपर तक उद्गामी होती है, ठीक है बच्चों। चलो अब आप हम जानेंगे कि बाह्यबंध क्या होता है। आप बाह्यबंध करने से पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। आपके लिए अच्छा है कि आप पद्मासन में बैठे। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि आसन की पोजीशन लेने से पहले या प्राणायाम करने के बाद में अपने शरीर को थोड़ा सूक्ष्म क्रियाएं हाथ पैरों की कर लेनी चाहिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं हमने आपको अपनी पिछली योग की कक्षा में सिखाई है, ताकि आप आसानी से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, कोई सभी आसन लगा सकें, ठीक है बच्चों। अब यहीं से हम जाते हैं पद्मासन की पोजिशन में। पद्मासन लगा लिए, ये हो गया बच्चों पद्मासन, ठीक है बच्चों। अब यहां से पद्मासन से आने के बाद में, जैसे आपने सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, फिर कपालभाति किया, कपालभाति के बाद में अगला जो आता है उसे बोलते हैं बाह्यबंध या त्रिबंध। आखिर बंध क्या होता है, देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि योग के अंदर पूरक सांसों को लेना, कुंभक सांसों को छोड़ना, सांसों को रोक के रखना, और रेचक सांसों को छोड़ना। जो बंध है वो बंध इन्हीं दोनों का मिश्रण है। इसमें क्या होता है कि हम अपने सांसों को लेते हैं और सांसों को छोड़ते नहीं है, सांसों को रोक के रखते हैं। जिस स्थान पे हम अपने सांसों को रोक के रखेंगे उसी जगह, उसी ही स्थान पर वह बंध कहलाया जाता है। अर्थात ये कहें कि सपोज मैंने सांस लिया और अपने सांस को गले पे रोक लिया, तो ये मेरा जालंधर बंध कहलाएगा। और सांस को यदि मैंने पेट पे लिया तो ये हमारा उद्यान बंध कहलाएगा। और इसी सांस को यदि हमने अपने सोच वाले स्थान पर रोक लिया तो ये हमारा मूल बंध कहलाएगा, ठीक है बच्चों। बंध का जो है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर विशेष महत्व है। और बंध को करने से पहले यदि कोई हाई बीपी हो, हृदय से संबंधित रोग हो, और यदि किसी का ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में हो 3 महीने के अंतराल में, तो उसे ये बंध नहीं करना चाहिए। बंध के फायदे भी वही होते हैं जो प्राणायाम के फायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा मूल बंध। मूल मतलब रूट, ग्रोथ। किसी भी चीज की जो नींव है वो किस पर रखी थी, मूल मतलब जड़ों पे, मूल से मतलब जड़। जो हमारा शरीर का बॉडी पार्ट है, जहां से हम सोच करते हैं,
हमें पशु की तरह अपने उस स्थान को संकुचित करना होता है। इसे आप ऐसा समझिए जैसे कि हम सपोज लैट्रिन करने के लिए जा रहे हैं और हमें लैट्रिन पोटी नहीं आ रही है, हमें रोक के रखनी है, तो हम पोटी को रोक के रखते हैं, सिकोड़ के रखते हैं। तो हमें अपने उस अंग को ऊपर को सिकोड़ के रखना है और उसको वो कहलाएगा हमारा मूल बंध। जैसे पशु होता है, आपने कभी पशु को शौच करते हुए देखा है तो शौच करने के बाद में अपने स्थान को सिकोड़ता, संकुचित करता है। इसी तरह से आपको अपने उस पोटी वाले स्थान को संकुचित करना है, वो है हमारा मूल बंध। कैसे बच्चों? लंबा गहरा सांस लो। तरीका क्या है? लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ दिया। अब सांस हमने बाह्य कुंभक लगा दिया और हम अपने गुदा द्वार को सिकोड़ कर रखेंगे और रोक के रखना ये ऐसे, ठीक है बच्चों? ये है हमारा मूल बंध, रोक के रखना है। और रोकना कितना है? यथासंभव अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए। जब बोलते हैं कुंभक, एक होता है बाह्य कुंभक, एक होता है आंतरिक कुंभक। बाह्य आंतरिक कुंभक क्या होता है? सांस हमने लिया और अंदर ही छोड़ के रख दिया। बाह्य कुंभक क्या होता है? सांस लिया, सांस को बाहर फेंका और फिर सांस ले नहीं रहे, सांस को रोक के रखना है वहीं पर, तो उसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। इस लेकिन इन मूल बंध, इस जो बंध है इसमें हमें क्या करना होता है बच्चों? इसके अंदर हमें आंतरिक कुंभक लगाना होता है। तो मूल बंध आपकी समझ में आ गया। अब दूसरा आता है हमारा उड्यान बंध। उड्यान बंध जो हमारे पेट पर लगता है, जहाँ हमारी नाभि होती है। तो हम सांस लेंगे और सांसों को फेंकेंगे नहीं, लेकिन सांसों को इसी नाभि के स्थान पर रोक के रखना होता है और पेट को अंदर खींचना है। आप इसे ऐसे समझिए, यदि कोई बच्चा ये कहे देखो मैं तो पतला हूँ, मोटा नहीं हूँ, तो अपने पेट को बिल्कुल अंदर खींच लेता है, पीठ से मिला देता है। तो उसी तरह से आप भी जब इसे पेट को पीठ से मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा उड्यान बंध। और ध्यान क्या रखना है कि हम कम से कम 3 से 4 घंटे तक कुछ ना खाया हुआ हो इस बंद को करने के, ठीक है बच्चों? अब हम नेक्स्ट बंद है हमारा उद्यान बंद। चलो करेंगे उद्यान बंद। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस बाहर फेंका, अब पेट को अंदर खींचेंगे, ठीक है? अब ही रोक के रखना है। ये है हमारा उद्यान बंद। और अपना ध्यान उसी बंद पर लगा के भी रखना है। रोक देंगे, जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो फिर आप सामान्य स्थिति में जाएंगे। अब उद्यान बंद के बाद में बच्चों आता है जालंधर बंद। जालंधर बंद हमारे कंठ के ऊपर होता है, जहां पर हमारा श्वसन तंत्र होता है। इस जालंधर बंद में ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी को सर्वाइकल हो तो वो अपनी गर्दन को आगे नहीं झुकाता है। हम सांस लेते हैं और सांसों को गले के पास ही हम रोक देते हैं। इसको कहते हैं हम जालंधर बंद। अब इसे कैसे करना है बच्चों? लंबा गहरा सांस भरो, सांस बाहर फेंको और गले को अंदर रोक दो। ये जो चिन्ह है इसे नीचे टिक करना है, ऐसे खींच के रखो। गर्दन ऊपर कर लेंगे, सांसों को बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों ये हुए हमारे तीनों बंद। सबसे पहला मूल बंद, दूसरा हमारा उद्यान बंद, तीसरा हमारा जलंधर बंद। अब इन तीनों को यदि हम एक साथ लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं महाबंद या बाह्य बंद या त्रिबंद। तो हम आइए एक साथ करते हैं त्रिबंद। इस त्रिबंद का ही हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम की श्रृंखला को पूर्ण रूप से फायदा उठाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना आवश्यक है, ठीक है बच्चों? अब चलो करते हैं तीनों बंदों को एक साथ। कैसे करना है? अब आप इसमें कोई भी मुद्रा ले सकते हैं। मैंने सपोज यहाँ से वायु मुद्रा ली, वायु मुद्रा सिखाई थी ना आपको, इस फिंगर को यहाँ पे रखना है ऐसे वायु। लंबा गहरा सांस भरो, सांस बाहर फेंको, पेट को अंदर खींचो, उद्यान बंद। अब गुदा द्वार को ऊपर सिकोड़ो, मूल बंद। अब कंठ कोप को नीचे लगाओ, जालंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगे, रोक के रखो।
जैसे हम बंद को लगाते हैं तो सबसे पहले हमने उद्यान बंद लगाया, मूल बंद लगाया, फिर जालंधर बंद लगाया। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे, जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। और चाहे तो हम तीनों एक साथ लगा सकते हैं, तीनों एक साथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब पूर्ण रूप से आप अभ्यस्त हो जाएं। फिर से करेंगे एक बार, देखो कैसे करना है। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, गुदा द्वार पर सुकोड़ा, गर्दन नीचे रोक के रखो, 15 से 30 सेकंड तक रोक के रख सकते हैं। आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो छोड़ देंगे। प्रारंभ में आप 10 से 15 सेकंड तक इसे रोक सकते हैं और फिर अभ्यास के अनुसार धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो जैसे हमने आपको बताया है कि प्राणायाम करने के लिए जब आप जिस भी आसन में बैठते हैं तो अपनी बॉडी को सामान्य करने के लिए पहले कुछ एक्सरसाइज और बाद में सूक्ष्म एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। अब अपने आसन को खोल लीजिए। जैसे अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ अपने आसन को कैसे खोलना है। देखिए, आसन को, आसन में आना और आसन में जाना दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसी भी रूप में आपको अपने शरीर के साथ में अतिक्रमण नहीं करना है, अर्थात जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने अपने पद्मासन को खोला और उसके बाद में पहले मैं अपनी फिंगर चला रहा हूँ, फिंगर के बाद में पूरे पैरों को चला रहा हूँ, फिर दूसरी एक्सरसाइज रोटेशन, फिर दूसरी तरफ से रोटेशन, फिर पैरों को पटकेंगे, यहीं से फिर बटरफ्लाई करेंगे, अब यहीं से हम सामान्य हो गए। अब इसी के बाद में हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद ही कक्षा का समापन करेंगे। जैसे हमने बताया प्राणायाम में आपको प्रार्थना करना आवश्यक है। करेंगे प्रार्थना, ओम देहो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति रेवः शांति श्याम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और फेस पे लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा का हम यहीं पे समापन करते हैं और पुनः दूसरी कक्षा में फिर आपके साथ में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।